बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम किया गया। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें दोनों देशों की दोस्ती पर गर्व है। उन्होंने कहा, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि हमें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब उर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का मौका मिला। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना जारी है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। अजित पवार का कहना है कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो सरकार फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में मुंबई के भाडुप में स्थित एक कोविड अस्पताल में आग लगने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। इस अस्पताल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना स्थल का दौरा किया और घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। अस्पताल को लेकर खड़े हुए सवालों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये अस्पताल कोरोना काल में तैयार किया गया था, जो कोविड अस्पताल ही था। इस अस्पताल को जो अनुमति मिली थी उसकी अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये भयानक हादसा हो गया। उद्धव ने कहा कि ये आग अस्पताल में नहीं लगी थी बल्कि कहीं और लगी थी, जो फैलकर अस्पताल तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक आग पहले मॉल में लगी थी जिसके बाद अस्पताल में फैल गई। मुख्यमंत्री ने यहां मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उद्धव ने बताया कि जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है वो वेंटिलेटर पर थे। वेस्ट मिदनापुर में एक रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी से गुंडों को ला रही है, वे मिदनापुर में घुसपैठ कर रहे हैं। मैं 28 मार्च से नंदीग्राम की सुरक्षा करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर गुंडे आपको निशाना बनाते हैं तो आपके हाथ जो भी लगे वही लेकर उन्हें दौड़ा लें। दिन गुजरने के साथ ही बीजेपी को एहसास हो रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है, तो वे भड़का रहे हैं। जबकि गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार पैसे बांट रहे हैं। पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। पंजाब की ओर से भेजे गए 401 सैंपल में से 81% में यूनाइटेड किंगडम का नया स्ट्रेन मिला है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। इसी के साथ ही 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए कहा गया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत सभी लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। अभी तक एक्सपर्ट ने पाया है कि कोरोना के नए स्ट्रेन में कोविशील्ड वैक्सीन कारगर है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगवाना पड़ेगा ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते अब हिमाचल प्रदेश में भी स्कूलों पर ताले लगाने पड़ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब 4 अप्रैल तक सभी शिक्षक संस्थान बंद किए गए हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब राज्य में अगले रविवार 4 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कुछ शिक्षण संस्थानों में अभी परीक्षाएं चल रही है, जिन्हें छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद होंगे। बोर्डिंग स्कूलों में अभी हॉस्टल की सुविधा रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों या समारोह आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसका अर्थ है कि इस बार राज्य में होली खेलने की भी छूट नहीं होगी। मेडिकल संस्थान काम करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले टीएमसी दफ्तर में बम धमाका हुआ। बांकुरा के जयपुर में टीएमसी दफ्तर के अंदर बम धमाका होने से सनसनी फैल गई। टीएमसी ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन पर आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी दफ्तर के अंदर बम बनाते समय ये घटना हुई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हिंसा की घटना सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बंगाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मामले में कानून के मुताबिक कदम उठाने को कहा। वहीं टीएमसी दफ्तर में बम धमाका होने की खबर फैलते ही इलाके में हिंसा भड़क उठी। दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुई, जिसको देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया।
इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। देश में कोरोना वायरस का विकराल रूप एक बार फिर लौट आया है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 59,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 5 महीने में देश में एक दिन में सामने आए ये सबसे अधिक केस हैं। इतना ही नहीं, देश में 24 घंटे में कुल 257 लोगों की मौत हुई है, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है।